शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर की बड़ी कार्रवाई, जहां शराब अहाते की दुकान को लेकर हुए विवाद में विजयनगर स्थित सिंडिकेट ऑफिस में अर्जुन ठाकुर के ऊपर शराब माफियाओं ने गोली चला दी थी। कुछ दिन पहले शराब अहाते की दुकान को लेकर शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर पर गैंगस्टर सतीश भाऊ चिंटू ठाकुर ने गोली चला दी थी। अब तक सतीश भाऊ और चिंटू ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 5 अन्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। गैंगस्टर सतीश भाऊ चिंटू ठाकुर और पिंटू ठाकुर पिछले कई सालों से शराब के कारोबार में लिप्त हैं। शहर के कई शराब के बाहर अहाते यह बदमाश चलाते हैं। सिंडिकेट बनने के बाद शराब माफियाओं में अहाते की दुकान को लेकर विवाद चल रहा था और इंदौर पुलिस ने गोलीकांड के बाद आबकारी विभाग के साथ सात अहाते सील कर दिए हैं। जो हमारे द्वारा आबकारी विभाग के साथ में जानकारी साझा की गई है, अभी तक 9 अहातों के संबंध में हमने उनको सूचना दी है। और भी क्या इनका आर्थिक गतिविधियाँ, उस पर भी हम लोग अभी नज़र रखे हो। तो जो सूचना दी गई 9 अहाते के ऊपर अभी कार्रवाई कर दी गई, क्या सील कर दिया गया अहाते को? हाँ, इन कार्रवाई इन हाथों को सील करने की कार्रवाई कर दी गई। ठीक, मामले में अगर बात करें तो अभी तक इसमें कुल कितने आरोपी हो गए हैं नामजद, और अभी कौन कौन फरार चल रहा है? जो बोलते हैं FIR लिखाई गई थी, जिसमें अभी तक ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी, उसमें 6 नामजद आरोपी थे और 5 अन्य थे। इन जो 5 जो नामजद थे, इसमें AK सिंह और पिंटू भाटिया के नाम शामिल था। इसके अलावा 5 अन्य भी लिखाए गए थे। तो इन्वेस्टिगेशन हमारा भी चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में 2 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया है, शेष आरोपियों की गिरफ्तारी जारी है। इसके अलावा जो घटना का CCTV फुटेज हमको प्राप्त हुआ है, उसका भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी इसमें आरोपी हमको लग रहा है, जिन्होंने इसमें हथियार से गोली चलाई और इसके पृष्ठभूमि में कौन कौन लोग हैं, इन सब बातों पर विवेचना भी चल रही है। और जो भी इसमें शामिल होगा, उसमें किसी को बख्शा नहीं आएगा। सर, इसमें अगर बात करें तो गैंगस्टर सतीश भाऊ का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है, ये भी इसका नाम भी सामने आ गया है। क्या मानते हैं सर, गैंगवार ना हो इसको लेकर सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है, पुलिस बल भी बड़ा तैनात है और पुलिस के मुखबिर तंत्र भी सक्रिय हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हाँ ये बात सही है कि जो सतीश भाऊ नाम का गुंडा बदमाश है, इसका इन्वॉल्वमेंट अभी कई सारे अहातों में आया है। इन अहातों पर कार्रवाई करने के लिए आबकारी विभाग से समन्वय स्थापित किया गया है और इनके विरुद्ध कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसके अलावा जो भी इनका आर्थिक स्रोत हैं इन गुंडों के बदमाश के, उस पर भी हम लोग जा रहे हैं। और जो इसके और भी एसोसिएट्स हैं जो इसको साथ देते हैं, उन पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसमें प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सर, इन बदमाशों में से किसके अभी तक मकान चिन्हित किया गया है जिसको आप लोग कार्रवाई करने वाले, तो उन्होंने किसी के नाम अभी तक सामने है जिसके खिलाफ आप लोग कार्रवाई करने? इसमें जो भी मुख्य आरोपी हैं, सभी के हम लोग मकान और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी देख रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज इनने अपराध से कमाई है, और वो सब इन्वेस्टिगेट हम लोग कर रहे हैं। सर, क्या कुछ ऐसी भी जानकारी मिली कि सतीश भाव कुछ मामलों में फरार चल रहा था यहाँ पर या कहीं? यहाँ पर अभी फिलहाल किसी मामले में फरार चल रहा था, ऐसा कोई मामला नहीं आया जो विवेचना में हो। सर, मेरा फिर एक सवाल वही है कि जिस तरीके से सतीश भाऊ गैंगस्टर है और कहीं ना कहीं जो दूसरे गुट के लोग हैं, एक कोई गैंगस्टर या फिर इस गैंगवार को बढ़ावा नहीं मिले, इसको लेकर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, इस पर पुलिस का फोकस ज़्यादा है, क्योंकि अब जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली चली है सिंडिकेट ऑफिस में, कहीं दूसरा पक्ष इसको इस तरीके से लगा कि हमारे क्षेत्र में गुस्सा गोली कांड हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं गैंगवार इसी प्रकार से पनपते हैं और आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से, जैसा आपने बताया है कि ये शराब का जो व्यवसाय है, इसमें गुंडों को पाला जाता है और उनको साथ में रह कर पाला पोसा जाता है और इसमें अपराध होते हैं। तो पुलिस सारे एंगल्स पर काम कर रही है और जो भी इस व्यवसाय में गुंडागर्दी और बदमाश टाइप के एलिमेंट्स हैं, उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई हम लोग निश्चित रूप से कर रहे हैं। सर, एक कैनन न्यूज़ के लिए इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट।